बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़िन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़िन, अगर आज ये बात कही जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोपेगंडा मुसलमानों के दो मुकद्दस मकामात के लिए किया जाता है तो ये गलत ना होगा। इन दो मुकद्दस मकामात यानी खाना काबा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, इन दोनों में होने वाली छोटी से छोटी बात को इस तरह बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है कि देखने वाला उस प्रोपेगंडे को सच समझने लगता है। वहां पर होने वाली छोटी सी भी तब्दीली को कयामत की निशानी, दज्जाल के आने की निशानी बताया जाता है, जबकि अगर हकीकत देखी जाए तो हकीकत में वो चीज़ कुछ भी नहीं होती। एक ऐसी ही वीडियो वायरल हुई कि खाना काबा के फर्श से खून निकल आया और हाजी उस खून के इर्द गिर्द खड़े हैं, तवाफ रोक दिया गया है और इसके ऊपर लोगों ने किस तरह की बातें की वो मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा। और इस वीडियो की हकीकत क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये वीडियो देख ले। नाज़िन, आपने देखा कि खाना काबा के पास फर्श से खून निकला हुआ है और हाजी उसके इर्द गिर्द खड़े हैं, तवाफ रुक गया हुआ है और खून के निशानात वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो कोई यूट्यूबर लगाएगा और उसके साथ ये टाइटल जरूर लगाएगा कि खाना काबा में क़यामत की निशानी जाहिर हो गई, खाना काबा के सहन का फर्श फटा और खून निकल आया। ये मोहम्मद बिन सलमान के कारनामों और उसके गलत हरकतों का नतीजा है कि से ऐसे काम हो रहे हैं। लोग तरह तरह के टाइटल लगाएंगे मगर ये सारे झूठ और फर्जी होंगे, क्योंकि उमरा के दौरान खाना काबा में जब लोग खाना काबा के इर्द गिर्द जब लोग तवाफ करते हैं तो वहाँ गिरी पड़ी चीज़ें जब पाँव के साथ लगती हैं तो पाँव पर जख्म होता है जिसकी वजह से उस हाजी का खून फर्श पर लगता है। ऐसे वाकयात बहुत से बार होते हैं और ये वहाँ की मामूल की बात है। किसी की कोई चीज़ गिरी और वो रश इस कदर होता है कि वो इस चीज़ को उठा नहीं सकता। अब अगर वो नोकदार चीज़ है, शीशे की कोई चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है कि जो पाँव पर लगेगी और ज़ख्म करेगी जिसकी वजह से पाँव से खून निकलेगा, अब हाजी वो अपने उमरे को रोक भी नहीं सकता। अब वो खून निकलता है और हाजी जब चलता है तो फिर उसका वो खून फर्श पर लगता है और ये किसी हाजी के ही पाँव का खून है कि जो उसके पाँव से निकला और उसने उमरा अपना जारी रखा और पाँव से खून निकलने की वजह से खाना काबा के इर्द गिर्द ये खून के धब्बे, खून के निशानात नज़र आए तो लोग हैरान हो गए। लोगों ने उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हुआ जिसकी वजह से तवाफ भी रुक गया और बाद में सफाई वालों ने, सफाई करने वाले वर्करों ने फर्श को धोकर साफ कर दिया, जबकि इस वीडियो को लगाकर, इस वीडियो को दिखाकर लोग तरह तरह के प्रोपेगंडे कर रहे हैं जो बिल्कुल झूठ है। क़यामत की निशानी, दज्जाल के आने की निशानी, ये सऊदी हुक्मरानों के गलत कामों की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ झूठ पर मबनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत के रास्ते पर चलाए और सच बात को समझने की तौफीक दे। आमीन।